एक सुपरहिट ऑडियंस को इंगेज करने के लिए रिलीज से पहले कोई भी मूवी क्या करती है? नो डाउट या तो ट्रेलर को रिलीज करती है या आउटस्टैंडिंग टीजर को दिखाती है, जो आजकल हमें देखने को मिलती है। और एक आउटस्टैंडिंग टीजर किसे कहा जा सकता है? जो लोगों के दिलों की धड़कनों को दौड़ा दे, आंखों के नज़र के रास्ते से दिमाग के सारे ढक्कन खोल दे, और सबसे बड़ी बात, लोगों का एक्साइटमेंट मूवी को देखने के लिए बढ़ाता रहे। जॉन अब्राहम की अपकमिंग मूवी अटैक का टीजर कुछ ऐसा ही है, आउटस्टैंडिंग फेबुलस। इसे देखने के बाद मूवी का वेट करना तो बनता ही है गुरु, बिकॉज टीजर 1.23 सेकंड का होने की वजह से थोड़ा सा लंबा है, लेकिन जैसे जैसे मेकर्स ने एग्जीक्यूट करके फ्रेम बाई फ्रेम प्रेजेंट किया है, इट्स लुक रियली ग्रेट गुरु। एक्शन सीन से लेकर बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ नेक्स्ट लेवल का देखने को मिला है। सेंटर पर अगर बात करें तो बीएफएक्स हॉलीवुड मूवीज का याद दिला देगा, इतना बेहतरीन बीएफएक्स को यूज किया गया है यहाँ पर। अगर इस टीजर के बारे में एक लाइन में बात करूं तो आप टीजर देखने के बाद खुद ही ये डिसाइड कर लेंगे तुरंत कि आपको ये मूवी आगे देखनी है या नहीं देखनी है, और यहीं पर इस टीजर की जीत भी हो जाती है। बाकी टीजर में जॉन अब्राहम लुकिंग प्रॉमिसिंग, उनकी एक्टिंग से लेकर एक्शन सब कुछ रॉ फेवरेबल लग रहा है। मीन जैवा ट्रेलर हमने सत्मे विजय थे टू का देखा था, उसे देखने के बाद ये डिसीजन हो गया था कि मूवी का लेवल क्या होने वाला है और जॉन अब्राहम का वहाँ पर परफॉर्मेंस हमें क्या देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जॉन अब्राहम का वर्क देखने के बाद आप कह ही दोगे इन्हें एकदम बेहतरीन काम किया है। टीजर जब आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आपको एक्साइटेड करेगा वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक से लेकर सब कुछ इमोशनल है, जो सॉन्ग दिया है तो सब कुछ, और उसके बाद जो गन साउंड इफेक्ट दिए गए हैं सब कुछ बेहतरीन लग रहे हैं। और यहाँ पर जो साउंड इफेक्ट है वो अलग से ही आपको एक अलग सा एक्साइटमेंट बढ़ाता है, हो सकता है वो टीजर में अलग से रखा गया हो, लेकिन इस बात से भी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी का लेवल क्या होने वाला है। बीएफएक्स का वर्क आपको पहले ही सीन में देखने को मिल जाता है और उससे आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी किस लेवल पर बनाई गई है और कितना बजट इसमें लगाया गया होगा। इतना लंबा टीजर होने के बाद भी मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि टीजर देखने के बाद या उसे रिलीज करने के बाद कोई भी स्टोरी रिवील ना हो जाए। बाकी का छोटी छोटी क्लिपों में उन्हें क्रिएट करने के बाद उसे प्रेजेंट किया गया है, और इस बात से ये अंदाजा लगाया सकता है उन क्लिपों को देखने के बाद कि यहाँ पर कुछ किडनैपिंग वाला केस हो सकता है, जहाँ पर जॉन अब्राहम को एक सुपर हीरो की तरह प्रेजेंट कर उन्हें वहाँ पर रिलीज कराया जा सके, और यहाँ पर ही एक्शन आपको देखने को मिलेगा जो काफ़ी फाड़ हुआ और भाई आंखों को सुकून दे देता है। बाकी आपको ये टीजर कैसा लगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपने ओपिनियंस जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगा, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा लगा या फिर जॉन अब्राहम की जो एक्टिंग आपको देखने को मिली है, जो एक्शन देखने को मिला है एकदम वो देखने को अच्छा लगा है, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है वो लोग आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मूवी के रिव्यूज़ टीजर वगैरह के रिव्यू आते ही रहते हैं तो आप लोग देख सकते हो। बाकी का मैं निकलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।